हेलो एवरीवन, आज हम पेप्टाइड के बारे में पढ़ेंगे। हमने पहले देख चुके हैं अमाइनो एसिड्स की संरचना, और आप सभी जानते हैं कि अमाइनो एसिड्स जो है वो प्रोटीन की मोनोमेरिक इकाइयां होती है, और प्रोटीन में ये अमाइनो एसिड जो है एक दूसरे से पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़े होते हैं, जिसमें एक अमाइनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप दूसरे अमाइनो एसिड के अमाइनो ग्रुप के साथ मिलकर यहाँ से एक जल का अणु निकलता है, और इस तरह आप देखोगे CONH पेप्टाइड बॉन्ड का निर्माण होता है। जब ये जैसे दो अमाइनो एसिड्स मिलकर पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े हैं तो इसे हम डायपेप्टाइड कहते हैं। इस तरह बहुत सारे अमाइनो एसिड्स पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा एक दूसरे से जुड़कर लंबी पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते हैं। अब अमाइनो एसिड्स के कितने मॉलिक्यूल्स पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में जुड़े हैं उस आधार पर हम पेप्टाइड को डायपेप्टाइड या ट्राइपेप्टाइड भी कहते हैं, जिनमें दो अमाइनो एसिड्स होता है, जिनमें तीन अमाइनो एसिड्स होते हैं, ट्राई देन टेट्रा, इस तरह आगे हम इन्हें बोलते हैं। अब जब पेप्टाइड जो है अगर वो 10 अमाइनो एसिड से कम अमाइनो एसिड से मिलकर बना है तो हम उसे ओलिगोपेप्टाइड कहते हैं, और उससे ज़्यादा अमाइनो एसिड्स हैं तो फिर वो पॉलीपेप्टाइड की कैटेगरी में आता है। जो पेप्टाइड श्रृंखला है उनके जो दो सिरे होते हैं उन्हें हम अमाइनो टर्मिनस और कार्बोक्सिल टर्मिनस कहते हैं, क्योंकि एक लास्ट सिरे के अमाइनो एसिड में एक का अमाइनो ग्रुप होता है और लास्ट दूसरे एंड पे उसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। तो इस तरह हम पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के हम दो सिरे बताते हैं, एंड टर्मिनस और सी टर्मिनस। अब हम देखेंगे पेप्टाइड बॉन्ड की स्टीरियोकेमिस्ट्री। ये जो पेप्टाइड बॉन्ड है ये एक इमाइड बॉन्ड होता है, जो जिसमें कि तीन बॉन्ड्स इसके पार्ट होते हैं। पहला बॉन्ड है जो कि कार्बोनिल कार्बन और अल्फा कार्बन परमाणु के बीच में बनता है, और इसकी बॉन्ड लेंथ 0.153 नैनोमीटर होती है। ये एक सिंगल बॉन्ड है, और कार्बोनिल कार्बन और अमाइड नाइट्रोजन के बीच दूसरा बॉन्ड होता है, जिसकी बॉन्ड लेंथ होती है 0.132 नैनोमीटर। तीसरा जो पेप्टाइड बॉन्ड का पार्ट है वो है अमाइड नाइट्रोजन और अल्फा कार्बन एटम के बीच में बना बॉन्ड। ये बॉन्ड रोटेट कर सकता है, इस तरह आप देख सकते हो कि कार्बोनिल कार्बन और अल्फा कार्बन परमाणु के बीच बना बॉन्ड भी रोटेट कर सकता है, लेकिन कार्बोनिल कार्बन और अमाइड नाइट्रोजन का बॉन्ड रोटेट नहीं कर सकता, क्योंकि इसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो सिंगल और डबल बॉन्ड के बीच में है, जो जिससे ये पार्शियल या आंशिक द्विआवर्त की तरह कार्य करता है, जिससे ये रोटेट नहीं कर सकता। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर लंबी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला है तो उसमें इस तरह के रिजिड पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट है, जो कि पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला की बैकबोन को बनाते हैं और उसे दृढ़ संरचना देते हैं। और जो कुछ भी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में फ्लेक्सिबिलिटी उपस्थित होती है वो सिर्फ इन पार श्रृंखलाओं के कारण ही होती है, अदरवाइज पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला की जो बैकबोन है वो इन पेप्टाइड बॉन्ड के कारण रिजिड या दृढ़ होती है। नेक्स्ट फिर कुछ बायोलॉजिकल रोल्स हैं पेप्टाइड के। जो ऑलिगोपेप्टाइड्स हैं वो भी बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट होते हैं, प्रोटीन्स तो होते ही हैं पर ऑलिगोपेप्टाइड्स भी बायोलॉजिकली या जैविकी रूप से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। सबसे पहला कार्य तो इनका यही है कि प्रोटीन निर्माण की प्रक्रिया मतलब ट्रांसलेशन की प्रक्रिया में ये माध्यमिक पदार्थ के रूप में बनते हैं, क्योंकि पहले ऑलिगोपेप्टाइड ही बनेगा फिर पॉलीपेप्टाइड बनेगा। इसके अलावा कुछ जो पेप्टाइड्स हैं वो एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटीज प्रदर्शित करते हैं, और ये सामान्यतः फंजाई और जीवाणुओं में या फफूंद और जीवाणुओं में पाए जाते हैं। रेमिसिलिन एस जो है ये एक एंटीबायोटिक है, जो कि बेसिलस ग्रेविस नाम के जीवाणु द्वारा उत्पन्न होती है। कुछ हार्मोन्स जो हैं जो कि हायर एनिमल्स सिक्रीट करते हैं, स्रवित करते हैं, वो पेप्टाइड हार्मोन होते हैं। उदाहरण के लिए ऑक्सीटोसिन, जो कि एक छोटा पेप्टाइड है, 9 अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है, और ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा स्रवित होता है। अगला उदाहरण है ब्रैडीकाइनिन का, ये भी एक पेप्टाइड है जो कि 9 अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है, और ये ऊतकों में इन्फ्लेमेशन को कॉज करता है या ऊतकों का इन्फ्लेमेशन करता है। नेक्स्ट उदाहरण है एंकेफेलिन्स का। एंकेफेलिन्स जो है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में बनते हैं, वहाँ उनका निर्माण होता है, और ये मस्तिष्क की कुछ कोशिकाओं के रिसेप्टर्स पर जाकर बाइंड करते हैं, और वहाँ पर जाकर एनल्जेसिया उत्पन्न करते हैं। एनल्जेसिया मतलब जो भी हमारे शरीर में दर्द का हमें एहसास कराते हैं उस दर्द के एहसास को ये खत्म कर देते हैं। तो ये जो पेन किलर्स की दवाइयाँ होती हैं वो इसी के एंकेफेलिन्स के ही सिद्धांत पर कार्य करती हैं, और उनके
स्ट्रक्चरली एनालॉग होती है। इसके अलावा जैसे ग्लूटाथायोन भी एक पेप्टाइड है जो कि बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में आरबीसीज में पार्टिसिपेट करता है। और इस तरह आपने देखा कि बहुत सारे और